तो देखिए हम जा रहे हैं शादी में और ये है मेरा शादी वाला लुक। मैं आपको पूरा ड्रेस दिखाऊंगी, लेकिन अभी क्या है सब तैयार हो रहे हैं तो बस मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा शूट कर ले रही हूँ नानी के घर में ही। अभी हम नानी के घर में हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर ले रही हूँ ताकि सब तैयार हो रहे हैं, तो ये मोमेंट बहुत ही। और ये मेरा पूरा सूट है और यहाँ पे सुमैया तैयार हो रही है, फिज़ा भी तैयार हो रही है और ये उज़मा ने साड़ी पहन ली है बनारसी, रिजवान अपी ने पहनी है थोड़ी। तो देखिए हम यहाँ पर फूफो के घर आ गए हैं और यहाँ पे जो शाहरुख है वो दूल्हा बन गया है। तो ये मेरे फूफो का लड़का शाहरुख जिसकी शादी में हम लोग आ रहे थे। और ये रहा दूल्हे का सेहरा, तो ये है सेहरा जिसमें फूल लगे रहते हैं बहुत सारे। तो देखिए ये रहा दूल्हे का सेहरा और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये एक रस्म टाइप की होती है, मतलब दूल्हा सेहरा बांधेगा ही बांधेगा, क्योंकि पता है कि सेहरा तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब सेहरा बांधने का टाइम आ गया है, एकदम से अचानक से लाइट चली गई और अब लाइट जो है जल गई है। तो चलिए अब हम, मैंने सोचा क्यों ना ये मोमेंट भी जो है ऐड किया जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सब दूल्हे पर ही सबकी नज़रें हैं और सब तैयार। रिजवान अपी देखो सामने बैठी है चेयर पे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखिए दूल्हे का सेहरा जो है कुछ इस टाइप से जो है लगाया जाता है, एकदम सेट किया जाता है ताकि वो। तो देखिए सेहरा जो है दूल्हे ने बांध लिया है और दूल्हा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम शादी के लिए निकल लेते हैं। तो देखिए मैं शादी में आ गई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी मैं सबको दिखाऊंगी, अभी मैं आपको पूरा सूट भी दिखाऊंगी अपना। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों के बाद मैं शादी में आई हूँ। आपने देखा कि मैंने अभी तक शादी कोई ब्लॉग नहीं डाला। और ये है हमारी सुमैया। गाइस हेलो 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 से चीज अपनी तो भाई बच्चे बच्चे को खिलाओ देंगे और खिलाएंगे आपको। अब मंजिलिया मुझसे पहले का जिम्मा बना दे थी। इसमें टिक्की खा रही है। और ये रही हमारी प्यारी प्यारी अम्मी मायरा, और ये मायरा क्यूट मायरा भांजी। हाय मायरा, हाय मायरा। मेरे पीछे मुड़ी हो। देखिए गाड़ी पूरी तरीके से तैयार है दूल्हे की, वो दुल्हन को ले जाने के लिए एकदम तैयार है। तो अब यहाँ पे विदाई का टाइम है, तो बस दुल्हन अब गाड़ी में बैठेगी और जाएगी और हम भी अब निकलने वाले हैं यहाँ से। तो ये शादी का छोटा सा व्लॉग था, मैं बहुत थोड़ा ही शूट कर पाई क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार थे और उनसे ही काफ़ी सालों बाद मिलना हो रहा था, तो इसीलिए। तो आई होप आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। तो चलिए टाटा बाय बाय।